हेलो एवरीवन, वेलकम टू इज टुडे। और इस वीडियो में मैं उत्तराखंड का करंट अफेयर 2018 जुलाई से दिसंबर माह का कवर कराऊंगा। यह आपका सिक्स मंथ जुलाई से दिसंबर माह की सारी करंट अफेयर इसमें कंपाइल की गई हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अन अकेडमी में विजिट कर सकते हैं और अन अकेडमी में जो एडुकेटर नेम है अरुण जोशी, इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपके लिए मोर कोर्सेज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, जैसे करंट इश्यूज, करंट टॉपिक्स एंड गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पर आपके लिए डाली जाती हैं, एक अलग कोर्स है। और एक आपका करंट अफेयर संबंधित उत्तराखंड का है, उसके लिए अलग कोर्स आपके लिए बनाया गया है। एक आपका जनरल स्टडी ऑल फैक्ट्स एंड उत्तराखंड जनरल स्टडी आपके लिए क्या है, अलग अलग कोर्सेज बनाए गए हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें ज्योग्राफी का एक नया कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अभी रिसेंटली एसएससी के सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, और अगर तैयारी कर रहे हैं आपके सीएचएसएल की, तो आप क्या कर सकते हैं, इस एसएससी के कोर्स को आप देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे ये सारे कोर्सेज। इसके बाद देखिए, अब करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना का एक तरीके से क्या लॉन्च हुई है, और ये 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर देगी आपके उत्तराखंड के जितने भी नागरिक हैं उनको, और ये 27 लाख लोगों को मिलेगा उत्तराखंड में लाभ। इस योजना को त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा घोषणा की गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी उत्तराखंड के सीएम है, और अगर बात की जाए कि बीजेपी के कौन से नंबर के सीएम है, तो ये है आपके 5वें नंबर के सीएम। वैसे अगर बात की जाए कुल में, तो ये 9वें नंबर के सीएम है आपके। उत्तराखंड में 4 डिग्री कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा। ये आपका पावो, नारायण, बगड़, किच्चा और चंपावत। किच्चा पड़ता है आपका उधम सिंह नगर में, इसको लिख लीजिए। उच्च शिक्षा मंत्री हैं आपके धन सिंह रावत। देहरादून में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मैच हुआ है, ये हुआ था अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। अफगानिस्तान ने अभी परमिशन ली है उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि ये यहाँ का जो देहरादून में जो स्टेडियम है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, इसमें क्या करेगी, अपने जितने भी खिलाड़ी हैं उनको क्या करेगी, प्रशिक्षण देगी। माउंटेन हिंदुकुश अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है आपका स्कंद पौधा केंद्र को, और यह है आपका सेलाकुई में। उत्तराखंड के सीएम द्वारा आपका एरोस्टेट बैलून को रवाना किया गया। ये उत्तराखंड देश का पहला राज्य ऐसा बना जिसने एरोस्टेट बैलून को रवाना किया है। उत्तराखंड में सुरेंद्र पाल जोशी का निधन हुआ है। ये सुरेंद्र पाल जोशी किससे संबंधित थे, ये थे आपके चित्रकार व शिल्पकार से संबंधित। सिल्क एक सिस्टम बनाया गया, और यह 40 लाख युवाओं को एक रोजगार देगा। उत्तराखंड के न्याय पंचायत को ग्रोथ सेंटर बनाएंगे, और यह आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा घोषणा की गई। उत्तराखंड में हर जिले में बनेगा ट्रामा सेंटर, यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है। 6 माह से प्राथमिक व सांप्रदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति व भवाली सैनिटोरियम को भारतीय चिकित्सा परिषद के मानकों के अनुसार मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आपका 787 करोड़ सालाना कार्य योजना को मंजूरी केंद्र द्वारा दी गई है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी उत्तराखंड में एक तरीके से लॉन्च हुई थी, और ये 787 करोड़ रुपए एक तरीके से क्या उत्तराखंड को आपका दिया गया है इस योजना के तहत। इसके बाद उत्तराखंड में अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ये किसे मिला है, ये अनिल प्रकाश जोशी को मिला है। और उत्तराखंड पुलिस द्वारा फ्लैग इन समाज नाम का अभियान चलाया गया है, और ये एक तरीके से क्या है, कहां चलाया गया था, ये चलाया गया था आपका सागरमाथा एवरेस्ट पर। ठीक है, सागरमाथा पड़ता है आपका एवरेस्ट में पड़ता है, और हाल ही में उत्तराखंड के अनु कुमार को स्वर्ण पदक मिला है, आसियान जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में मिला है, और जापान में ये क्या आपका आयोजित किया गया था। इसके बाद उत्तराखंड में पहला विमान जो बायोफ्यूल से उड़ाया गया, यह देहरादून से दिल्ली उड़ाया गया। विमान कंपनी का जो नाम था वो स्पाइस जेट के टर्बो था। पॉप क्यू 400 को इसलिए तैयार किया गया था। स्पाइस जेट का जो के टर्बो है, के टर्बो पॉप क्यू 400 को तैयार किया गया था, और जो देहरादून से दिल्ली उड़ाया गया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम है किसके, उत्तराखंड के। उत्तराखंड में अटल वाटिका बनाई गई है, ये कहां बनाई गई, ये गोपेश्वर में बनाई गई। और राजकीय इंटर कॉलेज आपका पिपलीधर डांगल के प्रवक्ता थे, जो आपके डांगर के प्रवक्ता थे जसवंत लाल, इनके द्वारा ये बनाई गई। ये इसलिए बनाई गई थी, अभी इस टाइम पे आपका अगस्त 2018 में आपका जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनका निधन हो चुका था, तो उसी के कारण इन्होंने क्या है आपका ये बनाई गई थी। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2018 की रैंकिंग में टॉप
2010 में उत्तराखंड का देहरादून शामिल हुआ है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत आपकी रैंकिंग में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा भारत चीन सीमा में बाड़ा होती गमसाली गांव में ध्वज रोहण करेंगे, मतलब उस समय ध्वज रोहण किया था तो यहां पर ध्वज रोहण हुआ है। और ये किसने किया है, आपका जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो भारत चीन सीमा पर बाड़ा होती पे इन्होंने क्या किया, जो गमसाली गांव है वहां पर ध्वज रोहण किया था। 108 सेवा को सरकार का एक तरीके से एक्सटेंशन दिया गया था और 108 जो सेवा है वो दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष में ये आपकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2018 को संचालन किया गया था और इस एम्बुलेंस का नाम है GVKMRI। तो ये एम्बुलेंस क्या था, एक्सटेंशन का मतलब ये है कि इसका एक तरीके से क्या हो गया था, आपका 108 जो एम्बुलेंस है इसका बिल्कुल कार्यकाल खत्म हो चुका था उस कंपनी से, फिर 6 महीने का इन्होंने क्या कहा था, एक्सटेंशन फिर से दिया था। ठीक है, अभी तो चली रही हैं, देखते हैं ये एक्सटेंशन कब खत्म होता है, तो अभी भी ये क्या है आपके हाल ही में कार्यरत है। तो दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष्य में और इसकी जो शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2018 को संचालन इसमें हुआ है। CISE काउंसिल फॉर द इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 9वीं और 11वीं की एग्जाम करने का फैसला रद्द कर दिया है। तो अब जो 9वीं जो 11वीं अच्छा के एक तरीके से क्या होंगे, जो एग्जाम होंगे एक तरीके से, अब वो क्या करेगी, जो आपकी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल्स आपका सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है ये नहीं करवाएगी। पहली बात तो ये है, अब वो सिर्फ एग्जाम करवाएगी किसके, 10वीं और 12वीं के, जो CISCE है। और अब एग्जाम जो आपके 9वीं 10वीं के, तो वो क्या करेगी, स्कूल कराएगी उस एग्जाम को। ठीक है, हाल ही में देहरादून से काठगोदाम में एक आपका नई ट्रेन, ठीक है, एक आपका नई ट्रेन को लाया गया है और ये आपकी नैनी दून से चलाई जाएगी और ये है आपकी जनशताब्दी एक्सप्रेस। और दिल्ली से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहता, इस जनशताब्दी को रवाना किया था और 7 स्टेशन इसके अंतर्गत क्या होंगे, 7 जो स्टेशन होंगे वाईफाई से लेस होंगे उत्तराखंड में एक तरीके से। ठीक है, तो ये 7 जो स्टेशन है अब क्या लेस हो चुके हैं, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड में भाई कितने स्टेशन है जो वाईफाई से लेस है, तो वो 7 स्टेशन उसमें लेस है। उत्तराखंड में 434 दवाओं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाया है और ये आपका प्रतिबंधित लगाया है कि औषधि नियंत्रण बोर्ड ने। उत्तराखंड में कंट्रोल क्लब खुलेंगे और ये कॉलेज में निदेशक व नोडल अधिकारी इसमें होंगे। उत्तराखंड में घर दुकान कॉम्प्लेक्स या अपार्टमेंट के लिए NOC, ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन देने के निर्देश दिए हैं गवर्नमेंट ने। और ऑनलाइन सारे फॉर्म, ऑनलाइन इसमें क्या होंगे, जितने भी सारे फॉर्म होंगे वो एक तरीके से क्या भेजे जा सकते हैं। तो सारे फॉर्म क्या हो सकते हैं, भेजे जा सकते हैं। उत्तराखंड में लखवाड़ बांध जो आपका 300 मेगावाट की बहुउद्देश्य परियोजना है, इसमें क्या होगा, डबल इंजन क्या होगा, लेस होगा। आप मुझे बताएंगे लखवाड़ बांध बन कहां रहा है। उत्तराखंड में 2 रोपवे को निर्माण जारी किया गया है। ये 2 रोपवे आपके कौन कौन से, देखिए अभी तक क्या है, रोपवे है कहां, तो रोपवे है आपका जोशीमठ में जिससे आप औली जाते हो। ठीक है, तो 4.5 किलोमीटर की एक तरीके से क्या उसकी डिस्टेंस है। तो उत्तराखंड में 2 रोपवे का निर्माण हो रहा है, मसूरी देहरादून रोपवे और हेमकुंड साहिब आपके गोविंद घाट से गंगारिया, तो एक हेमकुंड साहिब में बन रहा है और एक आपका देहरादून में बन रहा है। ठीक है, हेमकुंड साहिब में बन रहा है गोविंद घाट से आपका गंगारिया। मिस उत्तराखंड 2018 जो आपकी है प्रभा गोस्वामी और ये आपका अल्मोड़ा से संबंधित रखती है, तो ये मिस उत्तराखंड की बात है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई है, उत्तराखंड में है इसकी 1.73 लाख। कुल भारत की प्रति व्यक्ति आय अगर अनुमानित देखा जाए तो वो है, ये है 1,12,835। तो ये इंडिया की है और ये है आपके उत्तराखंड की बात की जाए तो 1.73 लाख। इसके बाद भारत की आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लाई गई सुगम शहरी जीवन सूचना, देहरादून की रैंक है इसमें 18, पहली रैंक मिली है पुणे को और 111वीं जो रैंक है वो है रामपुर की। आयुष्मान भारत योजना दो, तो जो आयुष्मान भारत योजना है आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या स्वास्थ्य कवर इसमें मिल रहा है जो उत्तराखंड के आपके नागरिक हैं। तो यह योजना 15 अगस्त को एक तरीके से लॉन्च की गई थी और 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख तक का सालाना स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो 27 लाख लोग, उत्तराखंड के 2 जिले इसमें आपके शामिल हुए हैं पहले चरण में, एक है आपका पौड़ी और दूसरा है रुद्रप्रयाग।
उत्तराखंड में मनाया गया बग्वाल मेला। तो असाड़ी कैतिक स्थानीय भाषा में कहा जाता है इसको, असाड़ी कैतिक बग्वाल मेले को, और यह आपका चंपावत में मनाया गया। लखवाड़ बांध यमुना नदी पे बनेगा, और आप जानते हैं लखवाड़ बांध आपकी 300 मेगावाट की क्या परियोजना है। कुल खर्च होगा इसमें आपका 1388 करोड़ रुपए। इसमें 90% का जो हिस्सा होगा खर्च करने का वो केंद्र सरकार करेगी, और 10% करेगी आपके 6 राज्य इसमें शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड के पास होगा बिजली का 300 मेगावाट। वंशी नारायण मंदिर आपका गोपेश्वर में पड़ता है, चमोली। गोपेश्वर कहां पड़ता है आपका? चमोली में पड़ता है। इसके बाद रक्षाबंधन के लिए एक तरीके से खोला जाता है जो आपका वंशी नारायण मंदिर है, और एक तरीके से जो ये मंदिर है इसमें विष्णु की पूजा होती है, और राजा यशोदवा बल ने 6वीं शताब्दी में ये आपका बनाया था। ये वंशी नारायण मंदिर आपसे UK SSSC के एग्जाम में पूछ सकता है, इसको आप नोट लीजिए। जूनियर एशिया चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल उत्तराखंड में शामिल हुआ। ये हैं आपके लक्ष्य सेन जो अल्मोड़ा से संबंधित रखते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा दिवस 1 सितंबर को कुमाऊं में मनाया गया, और 2 सितंबर को गढ़वाल में मनाया गया। गंगा रक्षा के लिए आंदोलन उत्तराखंड से 110 दिन से आपका स्वामी सदानंद ने आपका क्या कर रखा था, गंगा नदी को रक्षा से संबंधित एक तरीके से ये ऐसा था कि उसको संरक्षण प्राप्त करना चाहते थे ये बिल्कुल एक तरीके से, ताकि स्वच्छ गंगा रहे। और ये आपके हरिद्वार से संबंधित रखते हैं आपके स्वामी सनंद। अब इनकी डेथ भी हो गई है हाल ही में, 111वें दिन इनकी क्या हो गई थी, आपकी डेथ हो चुकी थी। उत्तराखंड की 6 नदी पर जल विद्युत परियोजना के खिलाफ इन्होंने क्या किया था आपका, आंदोलन किया हुआ था, मतलब एक तरीके से आमंत्रण किया हुआ था इन्होंने। उत्तराखंड में इंडो अमेरिकन टमाटर की खेती शुरू होगी, और ये होगी आपकी देवधर जौनसार में। अटल हर्बल मिशन उत्तराखंड में अभी हाल ही में आया है, तो औषधि पौधे की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये 2017 से एक तरीके से स्टार्ट हुआ था। अभी हाल ही में ये एक तरीके से काफी प्रचलित हुआ है, क्योंकि घनसाली में कुटुकी खेती को देखकर काफी एक तरीके से जो आपकी कुटुकी की खेती थी काफी बढ़ चुकी थी वहां पर, तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को बढ़ाया गया। शंकराचार्य की समाधि भूमिगत में 100 मीटर गुफा में होगी, और यह आपके केदारनाथ में बनेगी दिव्य शिला के पीछे। बाबा केदार के जाने के लिए एक आपका आस्था, ठीक है, एक आपका आस्था पथ का उसमें निर्माण हुआ है। ये मंदाकिनी नदी का, और ये 5 मीटर चौड़ा और 400 मीटर लंबा होगा। कुमाऊं में पहला योग रिजॉर्ट ये भीमताल में बनेगा, और ये 2020 तक लक्ष्य रखा है इसको कंप्लीट करने का। राज्य का पहला बस पोर्ट आपका रामनगर में होगा, इसमें खर्च करेगी 40% केंद्र और 60% राज्य। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री जो 5 साल तक रहे अपने कार्यकाल के दौरान, वो थे नारायण दत्त तिवारी, जिसे विकास पुरुष कहा जाता है। उत्तराखंड में बंदी छोड़ मेला यह आपका नानकमत्ता में मनाया गया। नानकमत्ता पड़ता है उधम सिंह नगर में। देखिए ये आपकी एसटी की एक सीट है, दूसरी सीट है आपकी जौनसार, यह आपका देहरादून में पड़ता है। तो एसटी की सीट 2 जगह है, एक है आपकी जौनसार और दूसरी है आपकी नानकमत्ता। दीपावली के दिन मनाया जाता है बंदी छोड़ा मेला। उत्तराखंड में बायोडीजल प्लांट बनेगा, यह आपका देहरादून में बनेगा। कम से कम आपका एक दिन में तो ये डीजल एक दिन में काफी लीटर डीजल बनाने का है, और इस डीजल में जो लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 800 लीटर। तो 800 लीटर जो डीजल है वो रोजाना क्या होगा, उत्पादन होगा, और इसमें जो मदद करेगी वो करेगी IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ये आपका देहरादून में पड़ता है IIP। उत्तराखंड में अटल अभियान चलाया गया, यह आपके गंगोत्री हिमालय 4 चोटियों पर तिरंगा फहराने के लिए चलाया गया था। नेहरू पर्वतारोहण और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की संयुक्त टीम ने अटल अभियान मनाया। उत्तराखंड में गंगाली युद्ध, यह गंगाली युद्ध होता क्या है, देहरादून के 2 गांवों के बीच में यह गंगाली युद्ध खेला जाता है, और 2 बहनों की जुड़वा कहानी और लोग गले इसमें लगते हैं, और ये 2 बहनों से जुड़ी है। और इस दिन आपका पाइटा पर्व, जिसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, वो मनाया जाता है। यह आपका देवधर स्थल पर कुरोली और आपका उत्पालटा के ग्रामीण लोगों के बीच में होता है। 2 गांव हैं आपके कुरोली और उत्पालटा।
जौनसार में पहली बार देशवासियों के साथ मनाया जाएगा दिवाली का त्यौहार। देखिए अभी तक क्या था, जौनसार वाले लोग आपका जो देशवासी जो दिवाली मनाते हैं उससे एक माह मनाते हैं। इसमें क्या है, एक आपका आठ गांव नहीं है, ये है आपका आठ गांव, मतलब एक गांव का नाम है। इसने आपका एक नई पहल करी है कि अब क्या करेगा, देशवासियों के साथ जौनसार भी क्या करेगा, आपका दिवाली मनाएगा। तो इस गांव को याद रख लीजिए, इसने शुरुआत करी है। जौनसार में दिवाली बूढ़ी दिवाली के दिन होती है, इसकी शुरुआत एक माह के बाद होती है। मां दक्षिणा कालीपीठ, यह भी हाल ही न्यूज़पेपर में चर्चा में था, यह आपका हरिद्वार में स्थित है। इनका मुख पूर्व की तरफ है, परंतु इनका जो नाम है वो है मां दक्षिणा काली। गंगा के किनारे है और आपका गंगा दक्षिण की ओर बहती है। देखिए गंगा दक्षिण की ओर बहती है, परंतु इनका जो आपका मुंह है वो कहां है, पूर्व की तरफ है। उत्तराखंड में पहली महिला ई रिक्शा जिसने आपका पकड़ा और स्टार्ट किया वो है रानी मैसी। मैं एक गांव योजना आई एम विलेज उत्तराखंड में शुरुआत हुई, ये किसानों से संबंधित है, आय को दुगना करना लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक किसानों की जो आपका आय को दुगने करने का लक्ष्य गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है, इंडिया में भी और उत्तराखंड में भी। तो किसानों से संबंधित आय को दुगना करना और उत्तराखंड में पलायन को रोकना। आप सभी जानते हैं सबसे ज्यादा पलायन हुआ है आपका पौड़ी गढ़वाल से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है UK SSSC में तो पौड़ी गढ़वाल से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। 5 साल में 445 गांवों का लक्ष्य। उत्तराखंड में टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है हल्द्वानी IMA द्वारा और भारत ने लक्ष्य रखा है 2025 तक, मतलब 2025 तक आपका क्या करेगी, टीबी मुक्त भारत करेगी। और अगर किसानों की आयु को दुगना करने के लिए आएगा तो 2022। उत्तराखंड में इन्वेस्टर का समिट हुआ है, 2 दिन का समिट का आयोजन हुआ है, एक तरीके से आयोजित हुए हैं और उद्घाटन प्रधानमंत्री और आपका मुख्यमंत्री, जापान व चेक गणराज्य के राजदूत, सिंगापुर के मंत्री एस ईश्वरन ने क्या किया है, ये इन्वेस्टर का समिट उत्तराखंड में क्या किया है आपका एक तरीके से। उत्तराखंड में राज्यपाल बनी है आपकी बेबी रानी मौर्य। हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं आपका रमेश रंगनाथ और 2 नवंबर 2018 को ये बने थे। उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल मनाया गया कोटद्वार में 7 दिसंबर से आपका 10 दिसंबर 2018 तक। टेराइड आइकूस उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी तितली मिली है और ये डीडी हाट में मिली है और एक तरीके से ये 194 मिलीमीटर की है और इससे पहले आपका ट्राइडस मिनोस थी जो उसकी एक तरीके से कह सकते हैं जो उसकी हाइट थी वो थी आपकी 140 से आपका 190 मिलीमीटर में और ये अभी आपका जो आपका ट्राइडस आइकूस मिली है उत्तराखंड में डीडी हाट से तो इसकी लंबाई है वो है 194 मिलीमीटर। उत्तराखंड में पहला पोषण सम्मान मिला है प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों और महिलाओं को आपका कुपोषण मुक्त कराने के लिए। गढ़वाली किस्सों के संग्रह बुलाक का एक विमोचन हुआ है और यह सुमित्रा जुगलाल के द्वारा ये लिखी गई है। उत्तराखंड का अधिक पलायन किस जिले से हुआ है, पौड़ी गढ़वाल से हुआ है। होस्ट विलेज का होगा उद्घाटन, ये आपका पर्यटनों को बढ़ावा और पलायन को रोकने के लिए है और ये पौड़ी गढ़वाल में किया जाएगा। उत्तराखंड में पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत हुई है और यह देहरादून से मसूरी चली है और यह सीएम आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा क्या किया आपकी लॉन्च की गई है। 23 से 25 नवंबर 2018 को वैली ऑफ वर्ड्स साहित्य समारोह हुआ और इसमें 2018 आपका शिवालिक हिल्स फाउंडेशन 2017 से ही शुरू की गई थी और उत्कृष्ट लेखन और प्रोत्साहन के लिए किया जाता है। उत्तराखंड में बारिश अधिक हुई और कितना प्रतिशत एक तरीके से बारिश दर्ज की गई है तो आपका 1192.9% मिलीमीटर इसमें क्या क्या है बारिश आपकी दर्ज की गई है। ये आपके 2018 में है, सबसे ज्यादा हुई थी आपके बागेश्वर में, दूसरा चमोली और तीसरा चंपावत में। और वैसे बात की जाए सबसे ज्यादा जो अभी तक की बारिश होती है वो होती है नरेंद्र नगर, इसके बाद आता है रामपुर। ठीक है, पहला नरेंद्र नगर है, दूसरा रामपुर है। नरेंद्र नगर आपका टिहरी में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल। रेलवे लाइन का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक पूरा होगा और यह कहां से कहां बिछाई जाएगी, यह बिछाई जाएगी आपके ऋषिकेश से कर्णप्रयाग। केदारनाथ गौरीकुंड रोपवे उत्तराखंड में बनेगा और इसकी जो लंबाई होगी वो 8.5 किलोमीटर का रोपवे होगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव हुआ है, बीजेपी ने 5 नगर निगमों पर जीत हासिल करी है 7 में से और एक आपका रुड़की का
नहीं हुआ है। और देहरादून, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, इस पे क्या है आपका बीजेपी ने अपना परचम फैलाया है, और केंद्र जो आपके कांग्रेस है उसने दो सीटों पर, तो कोटद्वार और हरिद्वार। देखिए कोटद्वार और आपका ऋषिकेश, यहां से प्रूफ हो गया है कि आपका दो क्या है जो आपका नगर निगम है वो भी बन चुका है, तो 6+2=8, तो 8 नगर निगम है भी। प्रतिशत कितना रहा मतदान का, वो रहा 69.78%, और कुल प्रत्याशी थे इसमें 4,978 और मतदाता व लोग थे उत्तराखंड में आपका इतने, तो इसको आप याद रख लीजिए। उत्तराखंड में कुल गांव की संख्या हो चुकी है आपकी 16,304। नगर निकाय के परिसीमन के बाद 370 गांवों का शहरों में हिस्सा बनने के कारण ये आपके जो अब गांव बच चुके हैं वो हैं 16,304। उत्तराखंड करंट अफेयर दिसंबर माह 2018, और उत्तराखंड में सेल्फी विद कमल का आयोजन किया गया है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लोगों में घर घर जाकर आपका चुनाव के लिए जागरूक किया। 2019 का चुनाव में जीतने के लिए और हर बूथ में कमल का निशान बनाएगी आपकी बीजेपी के कार्यकर्ता। जौली ग्रांट का जो हवाई अड्डा है उसका नाम परिवर्तित हो गया है, अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है। विधानसभा में ये शीतकालीन सत्र में ये पारित हुआ है, अब केंद्र को ये भेज दिया गया है। दो विधेयक उत्तराखंड में शामिल होने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं शीतकालीन विधानसभा में। शीतकालीन चला था, 4 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था। और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 और अनुकूल एवं उपांतरण आदेश 2001, ये संशोधन विधेयक 2018 में जोड़े गए। और एक और विधेयक जोड़ा गया, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय संशोधन। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2018-19 का अनुपूरक बजट पेश किया गया, ये 4 दिसंबर 2018 से पेश किया गया है। अभी विधानसभा के सचिव हैं आपके जगदीश चंद्र। उत्तराखंड में बर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन हुआ है, और ये आपका कोटद्वार में आयोजन किया गया है, और लेंसी प्रभाग की बर्ड सेंचुरी में ये मनाया गया। लेंसीडॉन पड़ता है आपका पौड़ी गढ़वाल में, तो इसे आप लिख सकते हैं पौड़ी गढ़वाल। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा उत्तराखंड की युवा नीति में बदलाव करने के आसार नजर आए हैं, और 2011 की युवा नीति अभी हाल ही में चल रही है। अगर यूके ट्रिपल सी में ऐसा क्वेश्चन आता है तो अभी युवा नीति चल रही है 2011, तो इसमें जो दो वर्ग हैं वो आते हैं, ये आपके युवा नीति में आते हैं। तो 6 से 14 वर्ष का जो वर्ग है और 15 से 34 वर्ष का वर्ग है, ये क्या है आपकी युवा नीति के अंतर्गत आते हैं, ये उत्तराखंड में शामिल है। उड़ान योजना की जो आपकी फ्लाइट अभी हाल ही में योजना की उड़ान जो अभी स्टार्ट हुई है फ्लाइट मतलब, तो वो आपका 19 दिसंबर से लॉन्च हुई है, और ये पंतनगर से देहरादून होगी। जो उड़ान है ये तरीके से उड़े देश का आम नागरिक है, और आम नागरिकों को एक तरीके से क्या है आपका, ठीक है, 2500 रुपए है इसकी, अगर कोई 2500 रुपए ठीक है कोई अगर दे रहा है तो आप क्या कर सकता है आराम से क्या करता है फ्लाइट में उड़ सकता है 2500 रुपए देकर। उत्तराखंड में मनाया गया विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसमें जो युवाओं का प्रतिशत देखा गया है एड्स से संबंधित 41.25% रहा है उत्तराखंड में शामिल, और इसमें आपके 25 से आपके 34 वर्ष के लोग ज्यादा शामिल थे। और उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण जो आपकी सोसाइटी है जिसे हम कहते हैं यूसेक्स भी कहते हैं, आंकड़ों पर आधारित है कि 1674 लोग इसमें क्या है आपके एक तरीके से ठीक है हिस्से में आ रहे हैं। 2016-17 और 2017-18 का जो आंकड़े हैं उसमें देखा गया है कि 1674 लोग इसमें शामिल हुए हैं ठीक है एड्स में। और 2017-2018 में अगर प्रतिशत की बात की जाए 38.70% शामिल रहा है। हमने एक रविवार को आप 3 PM पे एक सेशन लेते हैं लाइव सेशन, इसमें हम काफी चीजें जो आपका एग्जाम से संबंधित है काफी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है उसको हम क्या करते हैं आप लेके आते हैं, तो जरूर ऑनलाइन आइए संडे को 9 PM पे, आप लोगों को काफी बेनिफिट होगा अपने एग्जाम के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें डिस्कस किए जाते हैं, सिलेबस डिस्कस किए जाते हैं, जैसे ARO का भी एग्जाम चल रहा है ठीक है, ARO का भी रिसेंटली फॉर्म आया है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर संडे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नया लेके आते हैं, और UK SSSC के जितने भी पेपर्स होते हैं उनको धीरे धीरे हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और UKPSC के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है। काफी एग्जाम आए हुए हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसी तरीके से बने रहिए जरूर डे में हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन।